मेरे पास HCC, GVK पावर और पुंजरॉयड जैसे स्टॉक्स पड़े सालों से पड़े हैं, 7-8 सालों से। हेलो, तो आपने ये HCC, GVK पावर, अच्छा ये आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपने कहा कि 7-8 साल से कर हाँ रही थी, जी, 7-8 साल से हैं। तो तो इनमें ये स्टॉक्स किसने बाइंग चुने प्राइस है आपके तो अभी पोर्टफोलियो के काफी लिए? लो चल रहे हैं, तो कभी कभी तो मुझे लगता है ये एक्सचेंज में ट्रेड भी कर रहे हैं या नहीं, ये भी मुझे डाउट होता है कभी कभी। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट, लेकिन तो इसका क्या एक चीज तो फ्यूचर बताइए है सुरेखा अभी जी, से। आपने तीनों ही ये स्टॉक्स आपने क्यों पिक किए? क्योंकि कोई भी अगर आप स्टॉक का बिहेवियर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अलग है नहीं इन तीनों स्टॉक्स का बिहेवियर, रिटर्न के हिसाब नहीं, से, चाल के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से। ये जब लिया था तब तो ठीक था, तो HCC तो एक बार ऑब्जर्व किया था, बाइंग प्राइस से नियरली 20% आगे मूव किया, उसके बाद से डाउन ट्रेंड में ही है। जीवीके पावर एक बार बताया गया था काफी अच्छा चलेगा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। कुंजलोइट का भी पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बारे में कुछ अगर राजेश जी कुछ एडवाइस दे बिल्कुल पूछते हैं सकेंगे। राजेश जी, ये स्टॉक्स है HCC, GVK पावर, पुंज लॉयड, ऐसे स्टॉक हैं जिनको लेकर एक समय में बहुत यूफोरिया भी था मार्केट में, और ये स्टॉक्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी रहे हैं। अब आयरनी ये है कि इनके पास तीनों ही ऐसे शेयर्स हैं जो नुकसान दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से इन्होंने जो सवाल भेजा था उसमें लिखा हुआ था कि HCC, GVK पावर, पुंज लॉयड एक्सेट्रा, तो यानी हो सकता है शायद इसी तरीके के और भी स्टॉक्स इनके पास हो जो इनको ह्यूज लॉसेस दे रहे हैं, पुरानी बाइंग है। अब कुछ होप्स हैं इनके लिए या क्या व्यू है? देखिए, पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक आप लेती हैं उसके रेगुलर ट्रैक रखें, हर तिमाही में नतीजे आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, मनी कंट्रोल, ये सब साइट्स पे आपको सारी डेटा मिलते हैं, वहाँ बिल्कुल ट्रैक रखें, अन्यथा दोबारा ऐसी गलतियाँ होती रहेंगी। और जहाँ तक इस तीनों स्टॉक का सवाल है, GVK पावर जहाँ तक मेरे ध्यान जाता है शायद डिलिस्ट हो चुका है, और दूसरे स्टॉक रुपये 2 रुपये में, 5 रुपये में काम कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक में आपको बिल्कुल निकल जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली इसमें कुछ भी नहीं है, और ऐसे कोई होप भी नहीं है कि कोई बहुत तेज़ी से बढ़त हो जाएगी और आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। और ऊपर से डर ये है कि कहीं NCLT केसेस हो गए या डिलिस्ट हो गए तो जो रहा सा पैसा है वो भी डूब जाएगा। बेहतर होगा कि आपको जो मिलता है वो बेच लें, पोर्टफोलियो से इसे निकाल दें, और हमेशा क्वालिटी स्टॉक में रहें। और क्वालिटी स्टॉक में भी रहें तो हर तीसरे महीने नतीजे आते हैं दोनों एक्सचेंजेस की, मनी कंट्रोल के साइट्स में डेटा आता है, वो सबको चेक करती रहें। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट्स को तो वैसे भी रेगुलरली ट्रैक करना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ही क्यों ना हो, तो इनसे तो निकल ही जाइए, कोई होप्स है नहीं यहाँ पर। थोड़ा मन मजबूत करके इस नुकसान को बुक कीजिए और क्वालिटी स्टॉक्स में एक्सपोजर लीजिए। और ये सभी महिला व्यूअर्स के लिए सजेशन है या सभी इन्वेस्टर्स के लिए कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू टाइम टू टाइम करते रहें और वॉच करें अपने इन्वेस्टमेंट को।